हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? हाई होप आप ठीक ही होंगे। अगर आप ड्री 11 खेलते हैं तो आपको लालसा, आपको इच्छा, आप ड्री 11 में खेलने का रीज़न ये है कि मैं ड्री 11 में फर्स्ट रैंक लाऊंगा, और ये सोच कर खेलते हैं। आप काफ़ी रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, 20-25 टीम बना लेते हैं, फिर भी आप फर्स्ट रैंक नहीं आते हैं। फर्स्ट रैंक का बात क्या करें, आप फर्स्ट रैंक के छोड़ो 1 से 100 तक भी आपको रैंक नहीं नान पाते हैं। लेकिन ये रैंक नहीं, 1 से 100 तक रैंक नहीं लाने के कारण क्या है? आप 1 से 100 तक रैंक नहीं ले पाते हैं, उसको क्या कारण है? मात्र उसको दो कारण मेन है, लेकिन कारण तो है तीन। तीन कारण है जो कि उसके कारण आपको 1 से 100 तक में भी आपका रैंक नहीं करता, आप डिग्री 11 में 1 से 100 रैंक पर भी नहीं आता। मैं उसके कारण बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रैंक लाना, कंपटीशन तो बहुत है लेकिन उतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको जिस दिन किस्मत या किस दिन काया पलट गया तो आप 1 घंटों में 1 रैंक ला सकते हैं, 2 रैंक भी जितना आ रहा है जिसको। लेकिन आप गौर किए होंगे, अगर आप डी डी 11 खेलते हैं तो गौर किए होंगे, जो भी 1 रैंक लाया वो कम से कम 4 से 5 साल फैंटेसी क्रिकेट पर समय दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर प्रोफाइल चेक कीजिए। 4 से 5 साल देने में उसका तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस सारा हो गया, और उसने सारा प्लेयर को पहचान लिया। बॉलर को अच्छा से खेलता है, कौन सा बैट्समैन किस बॉलर को अच्छा से खेलता है, कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को ज़्यादा परेशान करता है, पहला ये बात उनको अनुभव हो गया, वो जान गया। दूसरी बात यह है कि उन्हें पिच रिपोर्ट बहुत मैटर करता है मेरे दोस्तों। इन सब को लाने के लिए पिच रिपोर्ट बहुत मैटर करते हैं। जब आप खेलते हैं तो जल्दीबाजी में टीम नहीं बनाइए। अगर आप जल्दीबाजी में 10 से 20 टीम भी बना लेते हैं तो आपका टीम परफॉर्म नहीं करेगा, आपका टीम फर्स्ट रैंक या फर्स्ट से 100 रैंक तक भी नहीं आएगा। आप उन्हें पिच रिपोर्ट को अच्छे से खुद से एनालाइज कीजिए, क्योंकि खुद आप जो खुद करते हैं, आपको जो खुद कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से, आपको बेहतर, अपने आप से बेहतर कोई नहीं जान सकता है आपको। इसीलिए आप पिच रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। उसके बाद है अगला प्लेयर बैटल, ये सबसे महत्वपूर्ण और भूमिका निभाते हैं। आप दोनों मैच के हेड टू हेड निकालिए। दोनों मैच के हेड टू हेड निकालने से आपको ये होगा कि आखिर दोनों टीम का हेड टू हेड निकालने से कौन सा प्लेयर अच्छा प्रदर्शन पिच पर सपोर्ट करता है। कल का मैच में देखे हैं, आज का मैच देखे होंगे, राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल्स SS चेन्नई सुपर किंग का जो मैच हुआ है उसमें मोइन अली को परफॉर्म बहुत ज़्यादा था, मोइन अली को परफॉर्म बहुत ज़्यादा था, जिसने मोइन अली को मैं तो वाइस कैप्टन दिया, जिसको कैप्टन दिया वो अच्छा अमाउंट विन किया। और जॉस बटलर मेरे कप्तान थे, जिसके कारण मैं आज मिस हो गए, मेरा कप्तान नहीं चला। बॉयज़ मेरे 11 में से 10 प्लेयर परफॉर्म किया और एक कैप्टन ही परफॉर्म नहीं किया, जिसके कैप्टन नहीं परफॉर्म होने के कारण मैं आज चूक चुका हूँ मेरे दोस्तों। मैं आज चुकू हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं जितना इन्वेस्ट होगा मैं करूँगा, लेकिन एक ना एक दिन मैं ग्रैंड लीग जीत कर भी दिखाऊंगा और मैं जीतूंगा। मेरा यकीन है कि ग्रैंड लीग जीतना कोई बच्चे का खेल से भी आसान है मेरे दोस्तों। लेकिन आपको ये खेल के लिए कुछ किस्मत भी ज़रूरत होता है। कितना लोग को आप देखे होंगे डी डी 11 पर अकाउंट खोलते हैं,
वो एक रिंक पर चला आता है। लेकिन कितना लोग को देखे होंगे 4-5 साल खेलने के बाद वो एक रिंग नन पाते हैं। ऐसा जो आ जाता है अचानक कम लेवल वाले, कहीं ना वो जीत कर, वो 4-5 साल जीत कर फिर से अकाउंट बनाया होगा। जैसे आप जीतते हैं तो आपको अकाउंट ख़त्म हो जाता है, इसीलिए फिर से आप वो लॉगिन करते हैं तो आपको लेवल फिर से चालू होता है। जो 11-10 लेवल है, गौर कीजिएगा और अच्छा से उनको प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको पता लगेगा कि आखिर क्या वो इतना लेवल वाला जीत जाता है। मेरे दोस्तों, वो कम लेवल वाला नहीं जीतता है, लेकिन उन सफलता, किसी ने सच ही कहा है मेरे दोस्तों, सफलता समय मांगता है, सफलता वक्त मांगता है। अगर आप टीम बनाते हैं तो समय दीजिए, वक्त दीजिए, लापरवाही में टीम नहीं बनाइए। मैं भी पहले यही करता था, लापरवाही में टीम बना देता था, लेकिन लॉस में काफ़ी सारा चला जाता था। अगर आप नहीं जीतते भी हो, आप बड़ा अमाउंट नहीं जीतते हो या फर्स्ट रैंक नहीं लाते हो, फिर भी आप अगर सही समय से और सही से एनालाइज कर टीम बनाओगे तो आपको प्रॉफिट दोगुना कम से कम आएगा, आपको रुपया लॉस में नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, जितना भी ड्रीम 11 में खेलते हैं 99% मजदूर ही होंगे। मैं ये जानता हूँ कि 99% मजदूर ही होंगे जो ड्रीम 11 पर समय देते हैं, क्योंकि बड़ा आदमी जल्दी समय देता है, लेकिन 99% मजदूर होता है। मिडिल क्लास के लोग खेलते हैं, बड़े लेवल को तो आदमी को टीम बनाने का वक्त भी नहीं मिलता है, वो अपने काम से, अपने बिजनेस से उनको फुर्सत भी नहीं होता है। वो आता है, कमी नहीं है, उसने 100 टीम 50 टीम क्रिएट कर लेता है, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं करता है। आप देखे होंगे जो भी परफॉर्म करते हैं वो 3 से 4 टीम वाले ही परफॉर्म करते हैं, 1 से 2 टीम ही बनाकर वो परफॉर्म कर बड़ा अमाउंट 2 करोड़ वाला ले जाते हैं। अगर आप भी ले 2 करोड़ वाले ड्रीम 11 से निकालना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं तो आपको भी ये रूल अपनाना होगा। ये 4 रूल अपनाने से आपको ड्रीम 11 में जीतने से कोई नहीं रोकेगा। हाई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।